दोस्तों काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम लॉन्चर में, क्योंकि सिस्टम लॉन्चर जो है उनका फ्रीज हो जा रहा है। ऐसे में आज मैं बताऊंगा आपको सॉल्यूशन क्या है, कैसे आपको सिस्टम लॉन्चर की फ्रीजिंग बंद करनी है। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करेंगे MIUI 12 स्मार्ट होम के बारे में, कि MIUI 12 में आप स्मार्ट होम का यूज भी कर सकते हैं और कंट्रोल सेंटर में वो आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में बात करेंगे MIUI 13 वॉल्यूम कंट्रोल पैनल के बारे में, जिसे आप MIUI 12 में यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर पहले से ही मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने अभी तक वो देखा नहीं है तो वो भी जाकर देख लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में MIUI 12 के लेटेस्ट सिस्टम एप्स अपडेट के बारे में, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। मैं हूँ अनुज और आप देख रहे हैं डिजिटल अवतार चैनल। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अवतार चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोज के अपडेट सबसे पहले। तो जैसा कि दोस्तों आप साइड में यहां पर देख पा रहे होंगे कि अभी जो है, अगर आपको सिस्टम लॉन्चर की फ्रीजिंग को बंद करना है, सिस्टम लॉन्चर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए एक एपीके है अल्फा लॉन्चर 4.22.26, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहां पर जो है अभी इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों सिस्टम लॉन्चर अभी इंस्टॉल हो चुका है। आप देखिए यहाँ पर जो है, अब आपको जो लैगिंग वगैरह है वो कोई भी देखने को नहीं मिलेगी। काफी बटर की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर काफी स्मूथ एक्सपीरियंस हो गया है। जो लैग वगैरह थी वो अभी यहाँ पर नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है Xiaomi ने इसे एक्नॉलेज किया और उसके बाद लेटेस्ट अभी एपीके जो निकाली है उसमें ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई। सिस्टम लॉन्चर की जितनी भी एप्लीकेशन आती हैं उन सभी में बग वाली प्रॉब्लम रहती है, सबसे ज्यादा तो सिस्टम लॉन्चर में ही रहती है। तो इन्हें आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आता रहता हूं आपके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों MIUI 12 में आप MIUI 13 का वॉल्यूम कंट्रोल सेंटर कैसे पा सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो मैंने बनाया था, अगर आपने वो देखा नहीं है तो आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको एक एनिमेटेड देखने को मिलेगा, जैसे साइलेंट पर गए तो आप देखिए, डीएनडी पर जाते हैं आप, तो इन सभी में एक एनिमेशन आपको नजर आएगा। तो ये एनिमेशन पहले नजर नहीं आता था, और जो इसका जो यूआई है वो भी काफी इंप्रूव किया गया है, डार्क मोड और नॉर्मल मोड पर किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए भी आपको जो है एक एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम यूआई कंट्रोल एपीके, इसका लेटेस्ट वर्जन 1.6.5। तो दोस्तों MIUI 12 में अगर आप MIUI 13 का वॉल्यूम कंट्रोल पैनल चाहते हैं और एनिमेटेड चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्मार्ट होम के बारे में। तो Xiaomi होम एपीके या प्ले स्टोर पर भी ये Xiaomi होम नाम से आपको मिल जाएगी, अगर आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ी सी आपको सेटिंग करने की जरूरत है। तो अगर आप यहाँ पर कंट्रोल सेंटर अभी आप ओपन करते हैं, मैं बता रहा हूँ Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro जिन्हें अभी लेटेस्ट अपडेट मिला था। तो ये है मेरा Redmi Note 7 Pro मोबाइल और इसमें अभी मुझे लेटेस्ट अपडेट मिला था 12.0.4.0, और Redmi Note 8 Pro यूजर्स हैं अगर आप तो 12.0.3.0 इस तरह का अपडेट मिला होगा। कंट्रोल सेंटर के जस्ट नीचे आपको स्मार्ट होम डिवाइसेस करके ये ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, और ये सेटिंग्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले में जाएंगे, उसके बाद कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन में जाएंगे, और फिर यहाँ पर आप देखिए ये जो कंट्रोल सेंटर इनेबल करने वाला ऑप्शन होता है, इसके जस्ट नीचे स्मार्ट होम करके एक ऑप्शन है, ये अगर आपका नन हो रहा है तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा स्मार्ट होम। अगर आपको इसे इनेबल करना है तो नन से आपको Xiaomi होम पर इसे टेप कर देना है, और इसके बाद अब आप जब ओपन करेंगे तो स्मार्ट होम डिवाइसेस यहाँ पर लिखकर आ रहा होगा। इसका यूज ये है दोस्तों कि जैसे ही आप इस पर टेप करेंगे तो ये आपको ले जाएगा Xiaomi होम पर, और इसकी एप्लीकेशन जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, और आप इसे प्ले स्टोर से भी Xiaomi होम नाम से सर्च जब करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। अब इसमें जो प्लस का आइकन है यहाँ पर टेप करके आप कोई सी भी जो डिवाइसेस हैं जैसे कि मी एलईडी स्मार्ट वर्ल्ड अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए,
और जैसे ही आप ऐड कर लेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं उन्हें फॉलो करते हुए आपकी वो जो डिवाइस है कंट्रोल सेंटर के यहाँ बॉटम में दिखने लगेगी। फिलहाल तो मेरे पास अभी कोई ऐसी Xiaomi की स्मार्ट होम डिवाइसेस नहीं है, इसलिए मैं अभी इसे यूज नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपरली। पर फ्यूचर में, इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा मैं प्रोडक्ट खरीदता हूँ, मी स्मार्ट लाइट या स्मार्ट लैम्प, तो जो है कंट्रोल सेंटर से ही ऑन ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पर अभी आ चुका है। दोस्तों इसके अलावा जो है वेदर की ग्लोबल एप्लीकेशन आई है 12.3.5.9, इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप वॉल्ट, वेदर, Xiaomi होम, सिस्टम लॉन्चर, सिस्टम UI कंट्रोल यानी कि MIUI 13 वाला, वॉल्यूम कंट्रोल। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि सिस्टम लॉन्चर में जो फ्रीजिंग वाली प्रॉब्लम है उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, MIUI 13 का जो एनिमेटेड वॉल्यूम कंट्रोल है उसे आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ में MIUI 12 का जो स्मार्ट होम कंट्रोल है उसे आप कैसे यूज कर सकते हैं, वेदर एप्लीकेशन और जो एप वॉल्ट एप्लीकेशन है इनके भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ।